दोस्तों, मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग समेत कई प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं। ऐसा ही एक अद्भुत और चमत्कारिक शिव मंदिर जबलपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का संबंध भगवान श्री राम जी के साथ माना जाता है और ये दिव्य धाम भक्तों की आस्था का अटूट केंद्र है। तो आइए बताते हैं आपको इस प्राचीन मंदिर की जानकारी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने दक्षिण में बालू के शिवलिंग की स्थापना की थी। उसी तरह जब भगवान राम वनवास काल के दौरान उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने जबलपुर में एक गुफा के अंदर बालू के शिवलिंग का निर्माण किया था और उसकी पूजा की थी। यही कारण है कि गुप्तेश्वर धाम में स्थित इस शिवलिंग को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का उपलिंग माना जाता है। ये शिव मंदिर सन 1890 में अस्तित्व में आया था। दोस्तों, गुप्तेश्वर धाम में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ बड़ी संख्या में भक्तजन दूर दूर से दर्शन के लिए पहुँचते हैं और भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था को समर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो महादेव की कृपा से निश्चित रूप से पूरी होती है। सावन के पूरे महीने महादेव जी का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। साथ ही महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है। दोस्तों, गुप्तेश्वर महादेव जी का ये मंदिर प्रतीक है हमारी आस्था, भक्ति और विश्वास का। ये पवित्र और प्राचीन मंदिर प्रतीक है हमारे गौरवशाली अतीत और महान इतिहास का। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्थान की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय जबलपुर, हर हर महादेव।